हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। और ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, बट थोड़ा सा कॉस्टली है ये, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के लूँगी। बट फिर मुझे इसका नायका में मिनी वर्जन मिला, तो मुझे लगा मुझे अब तो ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ मैक की रूबी वो के बारे में, और ये 1500 की है। मैंने इसकी मिनी वर्जन मंगाई है। सो एक रेड लिपस्टिक तो आई थिंक हर फीमेल के पास होनी चाहिए, और मैं एक अच्छी रेड लिपस्टिक में ही इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करी। तो मैंने नायका से ऑर्डर करी है और मुझे ये इस बॉक्स में मिली है। कार्ड भी रिसीव हुआ है, थैंक यू, वी आर थ्रिल्ड यू चूज टू शॉप विद अस, वी होप यू लव योर एक्सपीरियंस। सो ये मुझे इस तरीके के एक छोटे से उसमें रिसीव हुआ है। सो सबसे पहले मैं इसकी आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ। सो पैकेजिंग इज वेरी क्यूट, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो ये मुझे इतना मिला है प्रोडक्ट, ये 1.8, सो ये 1.8 ग्राम का प्रोडक्ट है। अब मैं आपको लोगों को इसको स्वॉच करके दिखाती हूँ। ये इसका स्वॉच है। आई थिंक ये सारे ही स्किन टोन पे बहुत अच्छी लगने वाली है, चाहे आप फेयर टोन के हो, मीडियम के हो, या आपकी स्किन और भी ज़्यादा डार्क कलर में है, बट तो ये मुझे लगता है सब पे ही बहुत अच्छी लगेगी। और आई थिंक काफ़ी प्रिटी है उसकी पैकेजिंग भी, और अंदर से भी मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। और मुझे ये सेमी मैट तो नहीं लग रहा है, ये कम्प्लीटली मैट फिनिश में है, और इसमें काफ़ी अच्छा सा शीन भी मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आपकी ड्राई लिप्स है तो आप प्लीज़ पहले इसको लिप बाम लगा के ही यूज़ करें, मे बी शायद ये अगर आपकी ड्राई लिप्स है, अगर आपकी लिप्स ड्राई है तो ये आपकी लिप्स को ड्राई और कर सकता है। तो मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कि लिपस्टिक मेरे लिप्स पे कैसी लग रही है। तो अब मैं ये रिमूव करके आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इस पर अप्लाई करके भी आपको दिखाऊँगी। सो मैं पहले इसे रिमूव कर रही हूँ। तो मैं इसे रिमूव करूंगी। अब मैं इसे आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये मेरे लिप्स पे कैसी लग रही है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मी। ये कम्प्लीटली मैट है और काफ़ी वेलवेट फिनिश है इसकी। ऑप्शन दूंगी अगर आप ये लिप्स लगाना चाहते हैं तो, और भी पहले आप एक अच्छे से लिप लाइनर यूज़ करके अपनी लिप्स को आउटलाइन कीजिए, उसके बाद इसको फिल कीजिए, तो ये बहुत और भी अच्छी तरीके से निखर के आएगी। सो आप बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखे कि लिपस्टिक मेरे पे कैसी लग रही है। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, मेरा ये छोटा सा रिव्यू पसंद आएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आप प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छा कंटेंट, और भी अच्छे रिव्यूज़ या फिर कुछ और चीज़ें आप के लिए लेके आती रहूँ। सो तो वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपकी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।